अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KS बिहाड़ी। तो अभी से हमारे चैनल को जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करें या जो भी अपनी फैमिली के लिए जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे। तो बंडल ऑफ थैंक्स फियाज़ अहमद भाई का, मैं वीडियो बना रहा था, बार बार रिज़ल्ट ब्लर हो रहा था तो उनको यहाँ पर खड़ा करके मैंने यहाँ सेटिंग की है। तो बंडल ऑफ थैंक्स फियाज़ भाई, और ये आज की स्पेशल वीडियो मेरे प्यारे भाइयों के लिए है। सबसे पहले तो मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक अमानत नजीब साहब, रिसेंटली रमज़ान शरीफ में उनके वाले साहब का इंतकाल हो गया था, तो स्पेशली वीडियो उनके लिए है। मेरे एक दो तीन अजीज़ और भाई हैं, करीबी भाई हैं, उनके लिए स्पेशल तौर पे मैंने सबके लिए वीडियो बनाई है। तो मैं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे उस्ताद मोहतरम मलिक अमानत नजीब साहब के वालिद साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाएँ, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दें। तो स्पेशली तौर पर आप भाई दुआ करें, क्योंकि 24 घंटे में कोई ऐसा वक्त होता है जब भी आप कोई दुआ दिल से मांगते हैं तो वो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमा लेते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा, कभी आप मजाक में कह देते हैं ये देखो लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी अभी देखना पंखा चल जाएगा, पंखा फ़ौरन चल जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी आप तुक्के के तौर पे जो भी बात करते हैं वो कबूल हो जाती है, क्योंकि इस वक्त कबूलियत का टाइम होता है। तो इस वजह से जब भी कोई दुआ मांगें वालदैन की, अपने अजीज़ व अकारिब की मगफरत के लिए, ठीक है, ये स्पेशल ये वाली दुआ मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का खात्मा ईमान पे करे, कि बेहतर से बेहतर दुआ मांगे, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई हैं रहमान मलिक भाई हैं फ्रॉम रावलपिंडी, कैप्टन रहमान भाई हैं, उनके ग्रैंड फादर की भी डेथ हो गई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना दे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और वकास भाई हैं DG खान से, उनके भी नाना अबू की रिसेंटली आज ही उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि ज़रा भाई मेरे नाना अबू की डेथ हो गई है, तो स्पेशली तौर पर वकास भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके भी नाना अबू को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाएँ। डियर जितने भी हमारे हंटर्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, सब हमारे भाई हैं, स्पेशली दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। मैं बार बार कहता हूँ ये आम लोग नहीं है, जितने भी हंटर्स हैं हम एक फ़ैमिली की तरह हैं। ये हमारा जो चैनल है एक फ़ैमिली चैनल है जिसमें लोगों की सपोर्ट की जाती है, लोगों को गाइड किया जाता है, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हमेशा हम कोशिश करते हैं जो हमारे भाई हैं उनकी बेहतर रहनुमाई की जाए। देखें, हमें पता ही नहीं था यूट्यूब का, यूट्यूब ये मलिक अमानत नजीब साहब हैं हमारे उस्ताद, उनकी हम वीडियो देखा करते थे, ये वो रिव्यूज़ कर रहे हैं, ये गन भी होती हैं, ये छरे वाली भी होती हैं, इसके हम तो रैम्बो की इस्तेमाल करते थे, 3000 रुपये की 3500 वाली ये छरे, फिर बाद में उन्होंने रिव्यू किया ये भी होती है, ये भी होता है, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हमारे उस्ताद हैं, तो हमारे समझ लें उस्ताद के वाले साहब हमारे वाले साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो हम तो सब भाइयों से मैं एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, तो उनके लिए स्पेशली दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जन्नत कब्र को जन्नत का बाग बना दे। स्पेशली तौर पे ये मेरे तीन भाई थे, हमारे उस्ताद रहमान भाई, वकास भाई, तो उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है। आप हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, क्योंकि वालिद साहब के जाने के बाद उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। ये तो जिनके वालिद चले जाते हैं उनको पता होता है कि उनके जाने का दुख दर्द क्या होता है। कोई बंदा, ये आम बंदा जिसके वालिदैन जिंदा हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपने वालिदैन की खिदमत करें। और जैसे कि अबू बकर भाई ने एक उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई थी एक महीना, मतलब वो बड़ी सिचुएशन थी, मुझे पता है, मतलब वो चार पैसे उठ नहीं सकते थे बड़े, ठीक है। तो अबू बकर भाई दिन रात, कभी अबू बकर मुझे बताता है कि खिजर यार रात को 12 बजे अबू कहते ये मुझे दे दो, मुझे ये कर दो, 1 बजे जब मैं सोने लगता तब मुझे कॉल कहते ये कर दो वो कर दो, क्योंकि अबू बकर भाई की वालदा भी हयात नहीं है, वालिद भी इस दुनिया से रुखसत होंगे। अबू बकर भाई के वालिद और वालदा को, वालदा की कब्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की बाग बना दे। और जिन हंटर्स के वालिद वालदा इस दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। हमारी एक छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे, हम इंशाल्लाह इसकी भी सफाई करेंगे, छोटी सी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ कोई मोटिवेशनल कोई चीज़ ऐसी ऐड करूँ जिससे हमें आपको सबको फ़ायदा हो। वीडियो तो हम बनाते हैं डेली रूटीन के मुताबिक, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, ठीक है ना, ये गन ऐसी है वो गन ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा एहसास हुआ है कि अपनी आखिरत के लिए भी इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमारी ये छोटी सी मस्जिद है, इसकी इंशाल्लाह मैं सफाई करूँगा, सफाई करने के बाद इंशाल्लाह वो वीडियो साथ में ऐड करूँगा। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा आप भी अपनी मस्जिद की सफाई करें, ठीक है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो अपने मस्जिद के इमाम साहब हैं गैबी तौर पर, उनकी जाके हेल्प कर दिया करें, उनकी कौन सी गवर्नमेंट की तरफ से पे मुकर्रर होती है, बेचारे के कपड़े कौन, उनके बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं,
उन्होंने भी शादी करनी होती है, ठीक है, तो स्पेशली तौर पे जाके यार उनकी हेल्प कर दिया करें। कुछ लोग कहते हैं भाई उनको खाना तो मुफ्त का मिल रहा होता है, सारा कुछ मिल रहा होता है, भाई रोज़ी रोटी का वादा मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है, ठीक है, वो अल्लाह रोज़ी रोटी देता रहेगा। हर बंदे की अपनी पर्सनल ज़रूरियात होती हैं, तो स्पेशली तौर पे भाई समझ के इसका अजर आपको मैं नहीं दूंगा, कोई भी नहीं देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह। मेरी बातों को आप याद रखेंगे जब इस दुनिया से आप चले जाएंगे, और यही जो दिया हुआ आपका पैसा, यही नेक काम आपके काम आएंगे, तो आप हाथ उठा के खिज़र भाई के लिए दुआ करेंगे। तो आएँ मस्जिद की सफाई करते हैं एक दफ़ा फिर से। उस्ताद मोहतरम रहमान भाई और वकास भाई, स्पेशली ये आपके लिए है, आप हमारे बहुत ही करीबी हैं, हमारे भाई हैं, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। चलते हैं मस्जिद की तरफ, शुक्रिया। व्यूअर्स ये है मस्जिद है, इसकी हमने सफाई करनी है, आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखें पीपल का बहुत बड़ा दरख्त है, ये देखें ये इनके पत्ते झड़ते हैं तो यहाँ इस मस्जिद के अंदर ही गिर जाते हैं, ठीक है, ये देख लें, और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये 100 साल पुराना दरख्त है, बहुत ही खूबसूरत, ये देखें दिल खुश हो जाता है। ये ट्यूबवेल है, ये भी चलती है कभी कभी, ये पुराने वक्तों का कुआँ है, ये देखें डेंजरस कुआँ है, मैं थोड़ा सा पीछे ही खड़ा हूँ इससे, ये देख लें। थोड़ी सी मैंने सोचा कि आज एक वीडियो साथ में ऐड कर दूँ, तो जहाँ पर हम इस जगह जब वीडियो बनाने में शूट करने आता हूँ, तो आज मेरी नज़र पड़ी है ये मस्जिद, देख लें यहाँ पे, बाज़ूकात हमें लेट हो जाए तो फिर नमाज़ हम यहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी अंदर सफाई भी होने वाली है, देख लें थोड़ा सा पड़ा है, तो इंशाल्लाह हम इसको साफ़ करेंगे। और हदीस पाक का मफहूम है कि जिस्म पर मस्जिद की आप जब सफाई करते हैं, मिट्टी लग जाए सफाई करते हुए, तो उस जिस्म पर जहन्नम की आग, तो दूर जहन्नम का धुआं भी हराम है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के बारे में आता है कि वो मस्जिद की खुद सफाई किया करते थे, कुर्ता मुबारक, अपना कुर्ता मुबारक उतार के ख़ुद मस्जिद की सफाई किया करते थे। तो इंशाल्लाह हम आपको अंदर से इसकी दिखाते हैं कंडीशन, उसके बाद इंशाल्लाह सफाई के बाद भी आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। पिला पड़ते हैं और इंशाल्लाह इसकी दरख्तों के, यहाँ पीपल का दरख्त है, इसके पत्ते झड़ के इधर गिर जाते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह साफ़ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और जस्ट ये आप ये मत समझ लीजिए खिज़र भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, डेयर ये है कि इससे ये अपनी याद दहानी होती है कि आप मैंने अपने लिए मैसेज कन्वे किया है कि आज इतने अरसे के बाद मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सफाई कर रहा हूँ मस्जिद की, तो ये बार बार करूँगा, तो ये मैसेज देने का मकसद ये है कि जब आप बार बार रिपीट करेंगे इंशाल्लाह आपके अंदर भी जज्बा पैदा होता है कि यार आप दूसरों को तो मैसेज देते हो भाई ये करो वो करो, तो कभी ख़ुद भी अमल कर लिया करो, तो ये सबसे पहले मैसेज मेरे अपने लिए। में आता है कि बेहतरीन जगहें जहां इंसान बेहतर वक्त गुजारता है इसका मफहूम है वो मस्जिद हैं, और बदतरीन जगहें बाज़ार हैं, तो इस वजह से मुझे आप सब भाइयों को ना ज़्यादातर मस्जिद वक्त गुजारना चाहिए। और रोज़े क़यामत जब एक बंदे के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे फरिश्तों को इस बंदे को लेकर जहन्नम की तरफ लेकर जाओ। जब फरिश्ते उस बंदे को जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे, तो जिस मस्जिद में वो इंसान नमाज़ पढ़ता था, अज़कार करता था, वक्त ज़्यादा मस्जिद को देता था, तो वो मस्जिद
उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अर्ज़ करेगी, या अल्लाह ये बंदा मेरे अंदर नमाज़ें पढ़ता था, मेरी सफाई करता था, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, तो दुनिया में इस बंदे ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो आज रोज़े क़यामत मैं इस बंदे को अकेला कैसे छोड़ दूँ। तो अल्लाह ताला से ये यहाँ तक भी आता है कि अल्लाह ताला से वो झगड़ा करेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका झगड़ा कबूल फरमाएंगे और उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो ये मसाजिद की करामत है। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारें जितना हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, जस्ट एक मैसेज कन्वे करना था, सबसे पहले मेरी ज़ात के लिए था, उसके बाद आप भाइयों के लिए था। रोज़ वीडियो बनाते हैं तो मैंने सोचा भाई ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, किसी भी वक्त मौत आ सकती है, तो इस वजह से कोई ना कोई मेरी वीडियो भी ऐसी पड़ी हो जिस हो सकता है कोई भाई इसको देखे, इसके ऊपर अमल करे और मेरी आप भाइयों की जो भी ये अमल करेंगे उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो छोटा सा मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो में कोई ना कोई छोटा सा मैसेज कन्वे करूँगा, तो जिससे आपको भी फ़ायदा हो जाए, मेरा भी फ़ायदा हो जाए। तो दुआओं की दरख्वास्त है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ये घर के लिए यहाँ पे काश्त की गई है, भिंडी है, कुछ और सब्ज़ी हैं, ठीक है। जिनकी ज़मीनें हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मरला दो मरले ज़मीन में ना ये चीज़ें लगा लें ताकि आपकी घर की सब्ज़ी ना फ्री में मिलती रहे। तो एक अंदाज़े के मुताबिक ये कहा जाता है कि 70 से 75 हज़ार रुपये पर हर साल इंसान ये सब्ज़ी के ऊपर ही खर्च करता है। ये घर तेल हो गया, सब्ज़ी होगी, गोश्त हो गया, इन चीज़ों के ऊपर इंसान स्पेंड करता है। ने सफाई तो की है, फिर पत्ते झाड़ के फिर अंदर आगे गिर गए हैं, ये देख लेना सब। ये देखें, या मुसल्ला भी पड़ा होता है, वो भी कमरे में रखा हुआ है ताकि हवा से कोई उड़ ना जाए। आप देख लें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है, दिल खुश होता है। ये आप ग्रीनरी देखें, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये भाई चारा काट रहे हैं यहाँ पर, ये देख लें, और सूरज देखें, बहुत ही प्यारा मंज़र है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है, ये देखें।